श्री भारत भूषण बत्रा जी। सर 1349। नहीं श्रीमान जी, रोहतक में ऊपर उठाए गए एलिवेटेड रोहतक गोहाना पानीपत रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी मकान दुकान को नहीं तोड़ा गया है। खै नहीं श्रीमान जी, घै नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, ये 2014 से पहले रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट रोहतक के अंदर था और उस समय ये फैसला हुआ कि रेलवे ट्रैक जो है इसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। इसका इनॉग्रेशन भी हुआ उस समय के रेलवे मंत्री ने किया और उसके बाहर जाने के लिए लैंड भी एक्वायर की गई। सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8 भी किया, सेक्शन 9 अवार्ड नहीं हुआ। इन द मीन टाइम विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने फैसला कर लिया कि यहीं पर ही हम इसका रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाएंगे सर। और पुराने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक शहर की एक नई रूपरेखा होती और 90 फुट का रोड गांधी कैंप के अंदर मिलता, जो लोग आके पार्टीशन से पहले आए थे यहाँ पर बसे थे, वहाँ पर 90 फुट का रोड होता। एनी हाउ सरकार ने उस वहीं पर ही उसको रेलवे ट्रैक कर दिया। मैं बड़ी ताज्जुब से और बड़ी मेरे को अजीब सा लगा कि मैंने लिखा कि कितनी दुकानें तोड़ी गई, क्या पॉलिसी बनाई गई, पता नहीं डिपार्टमेंट जवाब नहीं देना चाहता या इस हाउस के अंदर गुमराह करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को आदरणीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार विजिट किया, अनाउंसमेंट की, किरण बेदी उसके किरण का अपना शाहबाद से एमएलए थे और कृष्ण बेदी, उन्होंने सरकार की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट दी और बयान दिया वहाँ पर। और उस कंपनसेशन पॉलिसी को कहो तो मैं वीडियो ऑडियो वो भी पेश कर सकता हूँ और साथ में उसकी वर्डिंग भी पेश कर सकता हूँ। और वहाँ पर बना के यहाँ पर 58 दुकानें तोड़ी गई, जवाब आ रहा है एक भी दुकान नहीं तोड़ी, बड़ी अजीब बात है। और आशियाने 29 आशियाने तोड़े गए, जवाब आ रहा है कि कोई आशियाना नहीं तोड़ा गया। PJEMS के अंदर एक 2700 मीटर की जगह चिन्हित की गई सरकार द्वारा और वहाँ पर जाकर उनको वहाँ पर सेटल करने के लिए प्रपोजल बनी। मैंने सवाल में पूछा प्रपोजल बनी, क्या रेट है, कब तक आएंगे, इनका तो सारा सारा जवाब। विज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि डिपार्टमेंट से पूछें और कब, अगर आप ग्रीवेंसेज कमेटी में जाते हैं तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर साइट विजिट करें। इस तरह का रिप्लाई अगर हाउस में अंदर आएगा और जहाँ पर टोटल डिनायल कर देंगे इतना होगा। और उसके बाद स्पीकर सर, विज साहब, आपने फिर एक स्कीम बनाई जो पावर हाउस बना हुआ है वहाँ पर, आपने एक मार्केट को एल शेप में एस्टेब्लिश किया और इन लोगों के साथ आपने एग्रीमेंट भी किए, इनसे अंडरटेकिंग भी ली कि वहाँ पर आया और वहाँ पर सर्कल रेट कुछ लोगों का, पर इतनी सरकार इस तरह जवाब देगी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है सर। और इस बात के लिए कि अगर आप रोहतक आते हैं ग्रीवेंसेस कमेटी में, आपको जगह दिखाऊंगा कि वहाँ पर इस प्रोजेक्ट में, चलो इसकी डी मेरिट्स मेरिट्स तो मैं बाद में बात करता, कि ये जो एलिवेटेड ट्रैक भी बना वो इतना ट्रैक बना कि सारे ही इस ट्रैक से गांधी कैंप के दोनों बाजारों का बड़ा एकदम भट्ठा बिठा दिया। वहाँ पर लोग बहुत दुखी हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं। अंडरपास है तो अंडरपास भी आपने ठीक नहीं बनाए, बाद में रास्ते किए, दोनों बाजारों में आपने कोई बढ़िया रास्ता नहीं दिया, कोई चौड़ा रास्ता नहीं दिया, 3-3 मीटर के रास्ते दे दिए। अगर इस तरह सरकार जवाब देगी इस बात के लिए, कोई अपने आपका जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, आपका कोई भी हो, जाकर अगले मौके देखिए, आप लगता है कि उन्होंने फाइलों का अध्ययन नहीं किया है, वो फाइल मुख्यमंत्री तक भी जा चुकी है और सेटलमेंट में सब कुछ है कि क्या रेट वहाँ पर लगेगा और जो ज़मीनें उनको दी उसका क्या रेट लगेगा, सर्कल रेट तक, यहाँ तक डेवलपमेंट है, यहाँ तक बयान आए हैं, मुख्यमंत्री जी के बयान आए हैं, मुख्यमंत्री विजिट किया है और सरकार जवाब दे रही है कि ना तो कोई दुकान टूटी है, ना आशियाना टूटा है, लोग घर बदर हो गए बेचारे, 3.5 साल से वहाँ पर उनकी रोटी रोजी का सवाल है इस बात के लिए, ये तो सवाल। और उसके बाद आपने दूसरी बात का मैंने आपको सवाल किया कि रेलवे ट्रैक जो के साथ जो सड़क बनेगी, आपकी रेलवे के साथ नेगोशिएशन चल रही है, रेलवे ने आपको चिट्ठी लिखी है जिसमें 195 करोड़ मांगा है, रेलवे ने वो चिट्ठी की कॉपी मैं सदन के सामने
स्पीकर सर पेश कर सकता हूँ उसमें, उसमें 7 मीटर की सड़क जो राल पुराना जो गांधी कैंप का बाजार है उसके साथ में 7 मीटर की सड़क बनेगी, उसके लिए रेलवे ने 195 करोड़ मांगा, आपने नेगोशिएशन में और लिखा, इस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रेलवे मिनिस्टर से बातचीत भी हुई है कुछ है, और आपने लिखा कि सड़क पता नहीं कभी बनेगी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। उसके बाद दूसरा लिबर्टी साइड के अंदर 15 फुट की रोड आपने प्रॉमिस किया, 15 रोड की प्रॉमिस जो किया आपने, वहां पर आपने लोगों से एग्रीमेंट करे हैं कि आप जगह दे दीजिए क्योंकि अक्वायर नहीं कर सकते, हम आपको स्थापन करके आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, और ऐसे जवाब सर आएंगे इस बात के लिए मंत्री जवाब देने, फिर मैं सप्लीमेंट्री इनसे पूछता हूँ कि क्या 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 कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या ऐसे ही जिस हिसाब से जवाब दिया है यही इनका जवाब है, आपकी प्रपोजल है, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपका सारा कुछ है, और रेलवे की कॉरेस्पॉन्डेंस है, रेलवे के पत्र मेरे पास, ये पत्र है रेलवे का, मैं मंत्री जी को अभी दे देता हूँ इस बात के लिए, और ऐसे जवाब आएंगे तो फिर सदन में कोई सवाल पूछने का औचित्य नहीं रह जाता किसी हाल। अध्यक्ष महोदय बहुत इंटेलिजेंट हैं मेरे विधायक साथी, वकील भी हैं, इन्होंने एलिवेटेड हाईवे के बारे में पूछा है, हमने रेलवे विभाग को बकायदा पत्र लिखकर उनसे जानकारी मांगी कि ये एलिवेटेड हाईवे बनाने के लिए क्या कोई मकान आपने तोड़े हैं, सर उनका नेगेटिव में जवाब आया है। ये जो बात कर रहे हैं ये वहाँ पर उस ट्रैक के साथ 15 फुट चौड़ी और 1700 मीटर लंबी एक सड़क प्रस्तावित है, उसके लिए जरूर रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी प्रॉपर्टियाँ हटानी पड़ेंगी तोड़नी पड़ेंगी, उसके लिए हमने पीजीआई रोहतक में और बिजली बोर्ड के जो विभाग की जमीन है वहाँ पर जमीन हमने प्रस्तावित है वो करेंगे, लेकिन उसके लिए इनका सेपरेट क्वेश्चन आएगा, मैं जवाब दूंगा डिटेल से। इन्होंने रेलवे ट्रैक का पूछा है, रेलवे ट्रैक के लिए मैंने अच्छी तरह से वेरीफाई करवा लिया, कोई भी मकान वहाँ तोड़ा नहीं गया। एक मिनट आप भाई साहब, मैं दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ, अगर आपके अधिकारी इस तरह इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बड़ी अजीब बात है और बड़े दुख की बात है इस बात के लिए। Names and address of the persons whose houses have been demolished by the government while constructing Rohtak Gohana Panipat elevated railway track in Rohtak. इससे ज़्यादा और क्या लिखूँ मैं वो लोग? और कौन सा हाईवे आपने बना दिया? मैंने आपको बता दिया रोहतक के अंदर रेलवे ट्रैक है और वो एलिवेटेड हो रहा है, आप कह रहे हैं रेलवे ट्रैक हाईवे के लिए कोई मकान या दुकान? मैंने कहा हाईवे लिखा है, मैंने कहा हाईवे लिखा है, कहां से हाईवे आ गया बोलो, हाईवे लिखा कहां है? बैठो बैठो आप बैठ जाइए, आप पढ़ लेंगे, वो कर रहे हैं जवाब दे रहे हैं। दोबारा सर मैं इसको विशाल कहीं नहीं, सीरियसली लो इस बात को, ऐसे नहीं लिखा है, रोहतक में ऊपर उठाए गए रोहतक गोहाना पानीपत ट्रैक का निर्माण के समय जिनके घरों को ध्वस्त किया गया और व्यक्तियों के नाम है पते ध्वस्त किए, रोहतक में मैंने लिखा है, आप हाईवे मैं भी रोहतक का जवाब दे रहा हूँ, जब जवाब दे रहे हैं आपने रिप्लाई में कुछ नहीं कहा, कहीं और का नहीं, रिप्लाई में आपने मना कर दिया बिल्कुल, भाई डिपार्टमेंट का रिप्लाई है, रेलवे का भी ये पत्र संख्या है जिसके तहत रेलवे का पत्र संख्या है, उन्होंने मेरे सवाल में गलती कहां पर है बता दीजिए जरा। नहीं आपने रेलवे ट्रैक का पूछा, रेलवे ट्रैक के लिए कोई रेलवे ट्रैक के लिए वहां डिमोलिशन हुई है, जबरदस्त डिमोलिशन हुई है, आप कहते हैं डिमोलिशन नहीं हुई, आप उसको रिसेटलमेंट कर रहे हैं, आप पीजीआई में जगह दे रहे हैं, आप नया नई मार्केट बना रहे हैं, और आप जवाब में कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल रेलवे ट्रैक के लिए नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि रेलवे ट्रैक के लिए कोई मकान नहीं तोड़ा, हाँ जो 15 फुट चौड़ी 1700 मीटर सड़क बना रहे हैं उसके लिए जरूर महाराज रेलवे ट्रैक के लिए तोड़ा है, रेलवे ट्रैक के लिए तोड़ा है नहीं तोड़ा, टोटल मेरे पास जवाब है, आप जवाब आप गलत देगा डिपार्टमेंट तो उसमें बात की है। स्पीकर सर एक सर इस बार रिक्वेस्ट है जी, एक ऑफिसर भेजकर सर मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने मित्र विधायक को दोबारा बताना चाहता हूं कि रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए कोई दुकान मकान नहीं तोड़ा गया,
ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझने में कंफ्यूजन है। थोड़ा सा इसको ठीक है सर। सर, कोई रेलवे ट्रैक के लिए आप बैठ जाओ, वो जवाब दे रहे हैं आप। रेलवे ट्रैक के लिए फैक्ट तोड़ा गया है। मैं कहता हूँ कि कोर ऑनरेबल स्पीकर एक ऑर्डर करें, एक अधिकारी जो इनके डिपार्टमेंट का है जाकर मौके पे रिपोर्ट दे, कितनी दुकानें टूटी हैं, किस वजह से टूटी हैं, और वहाँ पर तोड़फोड़ किस लिए होनी है, और तोड़फोड़ किस लिए होनी है, समझ नहीं आती किसी बात के लिए। 15 फुट की रोड की तो बड़ी बात की बात है, जो ऑलरेडी टूटा है, सब कुछ वहाँ टूटा फूटा पड़ा है, सब कुछ है वहाँ पर, श्रम क्रिएट हो गया, आपने ठीक से बनाया नहीं, आपने रिप्लाई किया, फिर आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं उस बात के लिए, तो बड़ी अजीब लगती है कि इस बात का संज्ञान लिया जाए स्पीकर सर, और संज्ञान लेके कोई भी अधिकारी एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी उससे नीचे डायरेक्टर या कुछ है मौके पर जाके रिपोर्ट दे, उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट हो, और आपके पास रिपोर्ट आनी चाहिए वो बात। मंत्री जी, कोई ना कोई किसी अधिकारी की आप जिम्मेवारी तय करिए कि वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट इसकी वहाँ पर वेरीफाई करे कि कोई तोड़। डायरेक्टर लोकल बॉडी, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी इंजीनियरिंग ब्रांच का ले लेंगे, पीडब्ल्यूडी का ले लेंगे, तीनों से जांच करा। थैंक यू।